perdu à la ligne de parquet des chantiers de la chaîne Matibé et Prémette. Et c'était à midi, quand c'était gros à Chichandi, professeur Gain Kondo Padeli, maître. Bon, ça me chèque, mais je n'ai déjà pas fait quelqu'un d'un temps, mais j'en ai ma chante de l'autre. कहना कुछ और चाहता लेकिन शुरुआत यहां से करना चाहूंगा जिसका जिक्र होता ही नहीं, न मीडिया में, न सोशल साइंटिस्ट के एनालिसिस में, न किसी में। मसलन जो चीज हमको नेपाल से सीखनी चाहिए, देखिए नेपाल सिर्फ लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, सच तो ये है कि वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है। तीन तरफ से जो सेवाएं मिलती हैं वो किसको मिलती हैं? हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमें जो नेपाल से सीखना है वो सीखते नहीं, उसकी चर्चा नहीं। पूरे दक्षिण एशिया में और संभवतः पूरे एशिया नेपाल अकेला देश है जहां पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी बची है, यानी जिसके सदस्य है प्रकाश चरण भारत जी, उस नेपाली कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोग हारते हैं जीतते हैं पार्टी नहीं टूटती, संसदीय दल के नेता का चुनाव होता है, वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है, ऊपर से नीचे तक चुनाव होता है, गांव से होता है, और वो पार्टी टूटती नहीं, कोई मतभेद नहीं होता। वहां की दूसरी बड़ी पार्टी है एमाले सीपीएन यूनियन, उसमें भी चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सबका चुनाव हुआ, पार्टी तो नहीं टूटी। ये तो दक्षिण एशिया में विशेष तौर से जहां हमारे भारतवर्ष में पार्टियां गिरोह से भी बदतर बन चुकी हैं, जहां चुनाव होता नहीं, लोकतंत्र है नहीं, उस देश को नेपाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत। और मैं माननीय महत जी आपको बताना चाहता हूं कि विजय प्रताप जी के विश्वास में और केसी त्यागी की पार्टी के संकल्प ने कुछ ऐसा कर दिया है, नेपाल और भारत की मित्रता और प्रगाढ़ हो जाएगी। अब आपकी सीमाओं पर और जो पर्दे के पीछे आप कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अब बिहार की सीमाओं से पार करके नेपाल में दादा लोग जाएंगे और संभवतः रात में भी रहेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिसका फिर भारत में जिक्र नहीं होता, कि एक तो नेपाल और चीन के क्या संबंध होने वाले हैं, इससे भारत में थोड़ी गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं। मैं तो चाहता हूं चीन के साथ और प्रकार संबंध हो, वो कह रहे हैं को रेल लाइन बना दी पेपर से रेल का कांडू तक जरा बना के दिखा दे, बहुत अच्छा होगा, कृपया बनाइए, उसको बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, कितने बरस लगेंगे, ये कोई आसान ऐसे कहने की बात अलग है, उसको लागू करने की बात होती है, वो ऐसा आसान नहीं है। माननीय विदेश मंत्री जानते हैं, किसी डेप्यूटी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने तो ये चीन में कहा कि भैया आपके संबंध जितने प्रगाढ़ हों नेपाल के साथ, भारत उसका स्वागत। उन्होंने कहा हम भी तो ये चाहते हैं कि भारत के साथ जितने संबंध प्रगाढ़ होंगे उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम ये भी चीन के नेताओं ने मुझसे कहा हम उसके रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकते, जो भारत और नेपाल का संबंध है उसका सब्स्टिट्यूट चीन नहीं बन सकता, हम अगर वो बनना चाहें वो बन ही नहीं सकते। ये जो कुछ परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रख के पारस्परिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं इतना कोई लंबा भाषण नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं। एक बात बहुत साधारण है, प्रचंड जी प्रधानमंत्री बने, नेपाली कांग्रेस और माओवादियों का एक समझौता हो, भारत के प्रधानमंत्री ने जिनके हम विरोधी हैं और रहेंगे, उन्होंने न सिर्फ उनको बधाई दी बल्कि उनको तत्काल आमंत्रित किया कि भारत की यात्रा। ये उन संबंधों को परिभाषित करता है जो भारत और नेपाल के बीच में, उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि हम अपने कूटनीतिक संबंधों के जरिए
अपने राजदूत के जरिए इसके जरिए हम उनको आमंत्रित करें। उन्होंने सीधे तौर पर बधाई देते हुए कहा कि आप भारत आइए, भारत आपका स्वागत करें। तो ये जो परस्पर विश्वास है जिसकी चर्चा विदेश मंत्री जी ने की, केसी त्यागी जी ने की, हमारे एम्बेसडर साहब ने की, राजन साहब ने, वो परस्पर विश्वास इससे दृढ़ता है। इसलिए भारत और नेपाल के संबंधों पर मैंने हमेशा ये कहा कि सिर्फ हमको अपनी परंपरा संस्कृति इसकी दुहाई नहीं देनी, तो है जो है उसको क्या कर लें। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सच है जिसको आप बदल नहीं सकते, नेपाल बदल सकता है ना भारत बदल सकता है। हमें याद है, इसी से मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, कि भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव। मैंने उनसे कहा कि नेपाल में एमाले है, उसको भी तिरुपति के अधिवेशन में बुलाना है। तुमका एमाले के बारे में हमने सुना है कि ये तो चीन के समर्थक है। हमने कहा प्रधानमंत्री क्या बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये एमाले के जो नेता है उनका नाम चांग चुंग शुंग नहीं है, उनका नाम है माधव कुमार नेपाल, उनका नाम है जलनाथ खनाल, उनका नाम है के पी शर्मा ओली। हमने कहा ये सब जो है चांग चुंग शुंग कोई नहीं है, कैसे हो उनका अच्छा ठीक है तो आ जाएंगे बुलाएंगे। हमने कभी बुलाएंगे, अब आए, अभी सुनिए क्या होता है। आए कौन, ए माले का नेतृत्व करती हुई जो प्रतिनिधि मंडल आया वो था सहना प्रधान जी के नेतृत्व में, उसमें एक सदस्य थे अशोक राय। तो ये प्रतिनिधि मंडल है। अच्छा, मुझे कहा गया था कि पूरे विदेशी इन सबका ध्यान आप रखिएगा, और सारे विदेशी प्रतिनिधियों की तरफ से तिरुपति के कांग्रेस अधिवेशन को किसने संबोधित किया, कृष्ण प्रसाद भट्टाई ने, उनको चुना गया कि नेपाली कांग्रेस नेता वरिष्ठतम, यही जो है सारे विदेशी प्रतिनिधियों की तरफ से इस सम्मेलन को संबोधित करें, वो तो हो गया। अब सहना प्रधान और अशोक राय ने, यानी एमाले के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे पहली प्रार्थना क्या की है, सुनी प्रार्थना के आदेश क्या, आदेश ये किया कि मुझको तिरुपति बालाजी का दर्शन करा। हमने कहा हमको तो कराई देंगे आपको, हमने कहा मैं खाली मंदिर देखने जाता हूं, दर्शन करने नहीं जाता, लेकिन आपको करा। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का जो प्रतिनिधि मंडल आया उसका पहला काम था तिरुपति बालाजी का दर्शन। ये आप समझ लीजिए भारत और नेपाल का क्या संबंध है, आप समझते हैं भारत